अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज मैं सीलिंग फ़ैन की आपको कॉमन रन और स्टार्ट कैसे तलाश करते हैं ये बताऊंगा। इसके लिए मैंने मेरे पास मल्टीमीटर है, इसको मैं रेजिस्टेंस पर सेट करूंगा। ये मैं 2000 ओम पर इसको सेट कर दिया और देखिए दो वायर्स मैंने अटैच की हैं, दोनों की रेजिस्टेंस आ रही है 142 ओम, दरमियान वाली और राइट साइड वाली, दरमियान वाली और राइट साइड पर दोनों प्रोब्स अटैच की हैं मैंने, तो 142 आ रही है। अब मैं राइट साइड वाली को उतार कर लेफ्ट साइड पर अटैच करने लगा हूँ। ये मैंने अब लेफ़्ट साइड पर अटैच कर दिया तो 136 आ रही है, 136 आ रही है। अब मैं जो दरमियान वाली थी वायर उसको उतार कर मैं लेफ़्ट साइड पर लगा रहा हूँ, तो कंटिन्यूटी आ रही है 279, यानी कि 279 ओम आ रही है। ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, यानी कि ये हमारी ये हमारी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग है। और ये इन दोनों वायर्स पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है 278 ओम। इसका मतलब है ये हमारी रनिंग और स्टार्टिंग है। और ये जो तीसरी वायर बच गई ये हमारी होगी कॉमन। अब हम कॉमन वायर के साथ रनिंग और स्टार्टिंग का पता करते हैं। इसका पता करने के लिए मैं इस वायर को उतारने लगा हूँ और कॉमन के साथ जो ही मैंने इसे को कनेक्ट किया 142 यानी 142 ओहम आ रही है लेफ्ट वाली, और कम बिटवीन दरमियान वाली को मैंने कनेक्ट किया 142 ओहम आ रही है। अब मैंने राइट साइड पे कनेक्ट किया कॉमन के साथ, दूसरी वायर को कनेक्ट किया तो 136 ओम आ रही है। पहले इसके साथ कनेक्ट किया तो 142 आ रही थी, इसके साथ कनेक्ट किया तो 136 ओम आ रही है। हमारी कॉमन और रनिंग के साथ जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है, और ये हमारी होगी इस पर 136 ओम आ रही है। इट्स मीन कि ये हमारी रनिंग है, ये दरमियान वाली कॉमन है और ये स्टार्टिंग है। कॉमन और स्टार्टिंग के साथ रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, ये हमारी स्टार्टिंग है।